महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश समस्त शिक्षक अनुदेशक शिक्षा में इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें। हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजन के संबंध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। विद्यालय में समस्त शिक्षक शिक्षिकाएँ अनुदेशक शिक्षा में तो सभ्य परिधान में ही विद्यालय आएँ। मानव संपदा पोर्टल पर गलतियों को सुधार करें। तत्काल BRC संपर्क कर अनुदेशक शिक्षा मित्र अपनी इन त्रुटियों को सुधार करवा लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यहां पर आपको पहला आदेश मैं दिखा रहा हूं। प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के संबंध में 21 जुलाई 2022 का आदेश है। महोदय, उपर्युक्त विषयक श्री संदीप सिंह माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र व वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अर्धशासकीय पत्र इतने 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 के संबंध में 18/7/2022 छाया प्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र अंशकालिक अनुदेशकों से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संबंध में अभिप्रेरित दिनांक 11-17 अगस्त 2022 के मध्य हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अवसर पर गरिमा पूर्वक आयोजित किए जाने हेतु निर्देश किया गया है। अतः आपको निर्देश किया जाता है कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वैश्विक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के उक्त को प्रदेश के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य सभी प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र अनुदेशक इस आदेश का पालन करें और सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आयोजित करवाएं। तो ये था साथियों पहला समाचार। दूसरा समाचार है, समस्त अनुदेशक साथियों इस बात को ध्यान दें, सब्जेक्ट मैपिंग के बाद होगा अनुदेशों का स्थानांतरण। आप सभी अनुदेशक अपना अपना सब्जेक्ट मैपिंग अपने मानव सम्यता पोर्टल ID पर संबंधित BRC जाकर सुधार कर लें, सुधार करवा लें। सम्मानित अनुदेशक साथियों, आप सभी को सूचित किया जाता है कि राज्य परियोजना निदेशक द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2022 को जारी पत्र में कहा गया था, जनपद में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को जो मानव सभ्यता पोर्टल पर डाटा है उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसे तुरंत तत्काल सही करवा लें और ये कार्य स्वयं शिक्षा मित्र और अनुदेशक जाकर BRC पर करवाएं, मेल करवाएं। कोई त्रुटि तो नहीं है, अगर कोई त्रुटि है तो उसको बाकायदा लिख कर दें और तुरंत उसका सुधार करवाएं, सब्जेक्ट मैपिंग करवाएं, तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। इस बात का आप लोग कड़ाई से पालन करें और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। सभी जनपदों को आदेश आ चुका है जिसका आप लोग कड़ाई से पालन करें। अनुदेशकों का स्थानांतरण ऑनलाइन होना सुनिश्चित है। मानदेय भी आप सभी का अब ऑनलाइन ही होगा। आने वाले कुछ दिनों में अनुदेशकों का मानदेय संबंधित एवं सर्विस से संबंधित जो भी योजनाओं का लाभ होगा वह मानव संपदा पोर्टल के अनुरूप ही होगा। तो इसलिए आप लोग अतिशीघ्र बिना लापरवाही करते हुए अपने अपने BRC पर जाकर अविलंब अपने मानव संपदा पोर्टल पर सब कुछ सही करा लें, अन्यथा स्थिति में जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। समस्त जिला अध्यक्ष एवं समस्त प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशकों को सूचित कर दें, अनुदेशक इस बात को संज्ञान में लें, अपनी मानव संपदा पोर्टल ID को सुधार करा लें। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो साथियों देख सकते हैं आपको यहाँ पर ये आदेश आया हुआ है 21/7/2022 का। समस्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक शिक्षा मित्र अनुदेशक समस्त प्राइमरी विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट ये समस्त के लिए है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक इतने 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 में ये दिया गया है। अनुपालन में कार्यालय के पत्र संख्या मानव संपदा पोर्टल पर समस्त शिक्षकों शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का डाटा त्रुटि सहित अंकित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें क्रम में आप सभी को आदेश किया गया था कि आप अपना मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध अपनी फैक्ट शीट P2 डाउनलोड कर अवलोकन कर लें, साथ ही एक हस्ताक्षरित प्रति BRC या संकुल शिक्षक को जमा कर दें। तो साथियों ध्यान दें और अपना अपना मानव संपदा पोर्टल को
सही कर लें, जो भी त्रुटियाँ उनको सुधार करवा लें। तो ये थे अब तक के खास समाचार। मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, शिक्षक शिक्षा में अनुदेशकों के संविदा कर्मियों की खास खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।